ओम शांति। आज की ये सुनहरी संध्या में एक बहुत बड़ा प्रकल्प जो परमात्मा ने राज ऋषि गोकुल ग्राम प्रकल्प का ये उद्घाटन, यह कार्यक्रम की यहाँ से शुरुआत नहीं मगर ये पूरे भारत भर और श्याम भाई ने बता दिया पूरे विश्व में ये एक वैसी ज्योत जली है जो स्वयं परमात्मा जो परम शिक्षक हैं, परम सद्गुरु कहते हैं ना, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो सृष्टि का रचयिता कितना सुंदर होगा। और उसने ये सोचा है, ये कार्य कराने वाला वो है जो उस प्यारे पिता परमात्मा को, जिसने ये संकल्प देकर ये कार्य को इतना सफल किया है, उस प्यारे पिता परमात्मा शिव बाबा का हृदय से इस कार्यक्रम के लिए परमात्मा यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में जो समय निकाल कर और हमारे बीच में उनका अमूल्य समय निकाल कर हमें उमंग और उत्साह दिया है, जिन्होंने हमें बहुत सारे ऐसी चीज़ों के ऊपर सोचने के लिए भी कर दिया है, और साथ ही साथ कि परमात्मा का धन्यवाद करते थे कि वाह क्या इंस्ट्रूमेंट परमात्मा ने दिया है। कि डॉक्टर सी के पटेल साहब, डॉक्टर सी के टिम्बाड़िया साहब ने बहुत सारे ऐसी जो उनके मन में दिल में चल रहा था वही उन्होंने बता दिया कि कैसे हम सर्वांगीण विकास के कार्य में साथ में मिलकर इसकी सेवा कर सकते हैं। तो ऐसे डॉक्टर सी के टिम्बाड़िया साहब अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे बीच इतना उमंग और उत्साह भरने के लिए उपस्थित रहे, उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। साथ ही साथ हम सब की प्रेरणा स्रोत ऐसी हमारी आदरणीय राजयोगिनी सरला दीदी जी, जो रात दिन कैसे भारत के गांवों के विकास के लिए क्या करें, हर दिन उनके मन में हर एक सेकंड में संकल्प चलते हैं कि कैसे अपने गांवों के विकासों के लिए, और इतने प्रोग्राम के लिए भी ट्रेनिंग के जो भी प्रोग्राम्स बनते हैं दीदी जी के संकल्प आते हैं और कार्य में चलते हैं। तो ऐसे हमारे आदरणीय दीदी जी का भी इस कार्यक्रम को रचने के लिए, क्योंकि रचनाकार इतना सुंदर है जिसने रचा ऐसे दीदी को, और दीदी ने जो ऐसे संकल्प से ऐसे गांवों के विकास के कार्य में उन्होंने अपनी सोच को सोचा ही नहीं मगर उसको धरातल पर ला दिया, ऐसे दीदी जी का भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत तहे दिल से खूब खूब धन्यवाद। साथ ही साथ हमारे बीच कहते युवा, ऐसे युवा श्याम भाई, जो श्याम भाई जिन्होंने पूरे भारत में अभी तो धीरे धीरे वो कार्य के लिए औरों को उमंग और उत्साह दिया है, और श्याम भाई ने जो अपना मॉडल को तैयार करने में अपना तन मन धन लगाकर न समय देखा न संकल्प देखा, जहाँ पर बुलाते हैं तुरंत हाँ जी ऐसे उपस्थित हो जाते हैं, ऐसे हमारे प्यारे भाई श्याम भाई का भी इस कार्यक्रम में हम बहुत बहुत खूब दिल से धन्यवाद करते हैं कि अपना समय दिया है। विनू भाई जो अपने कार्य में भी, सेंटर की कारोबार में भी और अन्य कार्यों में भी बहुत उनके व्यस्तता होते हुए भी हमारे बीच में पधारे हैं, तो विनू भाई का भी मैं बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे प्यारे भ्राता सुरेश भाई का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने भी अपना इतना बड़ा गठन करते हुए एपीओ जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, कितनी जिम्मेदारी और साथ ही साथ इतना संगठन बनाने के लिए जो उनकी दिल
दृष्टि लगाकर कार्य कर रहे हैं, ऐसे सुरेश भाई का भी बहुत बहुत तहे दिल से खूब खूब धन्यवाद। साथ ही हमारे मंचस्थ को इतने सुंदर रूप से, सुचारू रूप से जो हम संभाल रहे हैं, ऐसे हमारी आदरणीय राजयोगी की दीदी गीता दीदी का भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है। चंद्रेश भाई जो इतने सा मना संकल्प आया लग जाते उस कार्य के पीछे, उन्होंने जो बताया कि कैसे परमात्मा के संकल्प को लेकर वो चल पड़े और आज पूरे भारत में ऐसे गांव बनाने के लिए वो रात दिन बस यही उनके मन में चलता है। सुबह अमृत वेला पूरा होता है, फिर वॉकिंग करते करते भी प्लानिंग करते ही रहते हैं। ऐसे हमारे प्यारे भाई चंद्रेश भाई का भी तहे दिल से खूब खूब धन्य आभार है। साथ ही साथ जो पर्दे के पीछे सेवा दे रहे हैं, हमारे सभी नामी अनामी, हमारे लिए इतना अच्छा भोजन बनाया और हमारी ये सारी व्यवस्था के लिए जो पीछे लगे हैं, उन सभी भाई बहनों का तहे दिल से, हृदय से उन सभी का आभार है। और सबसे बड़ा आभार तो आप सबका भी है, आप नहीं होते तो ये कार्यक्रम नहीं है। तो हमारी प्यारी दीदियों का भी जो परमात्मा के इस कार्य को आज ये संकल्प लेकर जाती है बहने, कि और आत्माओं को भी इसी कार्य के पीछे, कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेगी, ऐसे ट्रेनर और हमारे साथी पांडव भाइयों को भी आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हृदय से आभार है, आभार है, धन्यवाद। ओम शांति। सभी का धन्यवाद करने के लिए जिग्नेश भाई जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करने वाले का नंबर सबसे लास्ट में आता है, माना वो सबसे ज़्यादा सुनते हैं, फिर कभी कभी बहुत कम बोलना भी होता है ना, तो बहुत धीरज का आपको प्रमाण देना होता है। तो थैंक यू आप सभी को अपनी फाइल